फिशिंग विलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लिट्विस लेक्स नेशनल पार्क क्रोएशिया ले जाएंगे। क्रोएशिया गणराज्य में सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान लिट्विस झील है। इस क्षेत्र ने अपने असाधारण प्राकृतिक वैभव के कारण पारंपरिक रूप से प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित किया है। नतीजतन 8 अप्रैल 1949 को इसे क्रोएशिया गणराज्य के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया था। जब 26 अक्टूबर 1979 को प्लिट्विस झीलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया, घास से ढके कुछ छोटे हिस्सों के साथ पार्क ज्यादातर वन वनस्पतियों से आच्छादित है। झीलें, जो पार्क की सबसे आकर्षक विशेषताओं को बनाती हैं, इसके कुल क्षेत्रफल के 1% से भी कम पर कब्जा करती हैं। झील प्रणाली में 16 मान्यता प्राप्त झीलों के साथ साथ कई छोटी अज्ञात झीलें हैं जो एक दूसरे में बहती हैं। भूवैज्ञानिक सबस्ट्रेट और विशिष्ट हाइड्रोजियोलॉजिकल विशेषताओं के परिणाम स्वरूप झील प्रणाली को ऊपरी और निचली झीलों में विभाजित किया गया है। प्रोवांस्को जेजेरो, सिगिनोवैक, ऑक्रेग्लजैक, बेटिनोवैक, वेलिको जेजेरो, मालो जेजेरो, वीर, गेलोवैक, मिलिनो जेजेरो, रेगिंसको जेजेरो, बर्गेटी और कोजजक 12 झीलें हैं जो ऊपरी झीलें बनाती हैं। ये झीलें बड़ी हैं, निचली झीलों की तुलना में अधिक इंडेंट और जेंटलर तट रेखाएं हैं, और ये अभेद्य डोलोमाइट चट्टान पर बनी हैं। मिलानोवा, गावनोवैक, कलुएरोवैक और नोवा कोविया ब्रोड झीलें निचली झीलें बनाती हैं, जो पारगम्य चूना पत्थर के सबस्ट्रेट में निर्मित होती थी और उच्च चट्टानों के साथ एक गहरी घाटी में उकेरी जाती थी। शानदार सस्त्वसी झरने, जो झीलों की परिणति हैं, उनके आधार के नीचे कोराना नदी है। लिट्विस लेक नेशनल पार्क आगंतुकों को 4 लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स और झील प्रणाली का पता लगाने के लिए 7 विभिन्न तरीके प्रदान करता है। सभी मौसम पार्क में बिताए जा सकते हैं। सभी आगंतुकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना पैनल पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, निर्दिष्ट ट्रेल्स पर रहें और अपने पीछे कचरा या अपनी यात्रा के अन्य संकेतों को छोड़कर किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चर्चित जगहों पर हमारे पास 200 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें।